अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लंबे समय को सोचते हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर शेयर चुनते हैं, तो आपके लिए रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी शेयर चुनने से पहले ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर और वैल्यू ओरिएंटेड शेयर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लंबे समय के लिए। साथ ही साथ आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन ऐसा शेयर है जिसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह नहीं देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसा ही कुछ शेयर के बारे में, जो शेयर अगर आपके पास है तो उसमें से आप एग्जिट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके शेयर के बारे में। जो शेयर आपके पास है तो उसे आपको सेल करके कोई फंडामेंटली ग्रोथ स्टॉक के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, ये सारे जो शेयर है वो मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। वीडियो के अंदर हम लोग 5 शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें से आपको एग्जिट लेना चाहिए। सबसे पहला शेयर है यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्साइड इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्टोरेज बैटरीज के मामले में लीडिंग कंपनी माना जाता है इंडिया के अंदर। साथ ही कंपनी यहाँ पे ऑटोमोटिव, सबमरीन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैटरीज भी सप्लाई करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देखते हैं तो रिटर्न के मामले में ये -36.80% का रिटर्न, वो भी नेगेटिव डिलीवरी यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 5 सालों में कोई भी पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई भी फ्यूचर ग्रोथ अभी नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारा ऐसे निवेशक भी आपको मिलेगा जहाँ पे ईवी रिलेटेड कामकाज ये पर्टिकुलर कंपनी करेगा, उसके कारण इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किए है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईवी रिलेटेड कोई भी काम एक्साइट इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो उसके कारण इस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी से आपको अपना पैसा निकाल के कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। अभी यहाँ पे जो दूसरा शेयर है जिसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये कंपनी 1956 से एस्टेब्लिश्ड है और इस पर्टिकुलर कंपनी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की सर्विस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी LPG एंड केरोसिन के ऊपर भी काम करते हैं। गवर्नमेंट ओन कंपनी है और इस पर्टिकुलर कंपनी 5.28% का डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डिविडेंड के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेशित है तो आपको इस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी कोई भी फ्यूचर ग्रोथ आपको नहीं देगा। अगर आप अच्छा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी से निकल के आपको कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप एक मोमेंटम इन्वेस्टर है तो इंडियन साइक्लिक को समझते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ही तभी निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपको इस कंपनी को एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो वहां पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो पिछले 5 सालों में ONGC ने यहाँ पे 9.79% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो क्या फायदा इसके अंदर निवेश करके। इससे अच्छा कोई अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा शेयर है जिसका नाम है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है और इस पर्टिकुलर कंपनी ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर काम करते हैं। सेक्टर के अंदर ये मार्केट लीडर है, साथ ही साथ 11 रिफाइनिंग इसका देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर डिविडेंड की बात करें तो वो है 7.37% का, और इस डिविडेंड को देखते हुए अगर आप इसके अंदर निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 5 सालों में 43.04% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करके कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए IOC का शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो आपको इसके अंदर से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर IOC के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर कंपनी गवर्नमेंट ओन होने के कारण कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 1,32,000 करोड़ के आसपास है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा शेयर है जिसमें से आपको एग्जिट लेना चाहिए वो है बंधन बैंक। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लेते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे 39.56% का नेगेटिव रिटर्न आपको दिया है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने कोई भी परफॉर्म यहाँ पे नहीं किया है। 2018 में कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुआ है, उसके बाद से कोई भी परफॉर्म नहीं दिखाया है। बंधन बैंक से एग्जिट लेने का और एक जो मेन कारण है कंपनी का NPA।
अगर आप कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो वो है 6.46%। हालांकि क्वार्टर वाइज थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी 6.46% ग्रॉस एनपीए बहुत ही डेंजरस यहाँ पे माना जाता है। तो अगर आपके पास बंधन बैंक का शेयर है तो आपको इसमें से एग्जिट लेके कोई भी अच्छे कंपनी के अंदर आपको निवेश कर देना चाहिए। जितना टाइम आप बंधन बैंक को देंगे पैसा जनरेट करने के लिए, उतना टाइम आप दूसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देते हैं तो वहां पे और भी तेजी से अपना पैसा आप रिकवरी और साथ ही साथ ग्रोथ भी ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पांचवा शेयर है जिसका नाम है गेल इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये भी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। कंपनी एलपीजी गैस प्रोसेसिंग के साथ साथ पेट्रोलियम फैसिलिटीज के ऊपर काम करते हैं, और इस पर्टिकुलर कंपनी 6.80% का डिविडेंड भी देता है। लेकिन डिविडेंड को देखते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देखते हैं तो कोई भी आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। लेकिन आप दूसरे कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी देखते हैं तो वहां पे आपको पिछले 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट करेक्शन में है, फिर भी ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पे नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, जिसके कारण आपको इसके अंदर से एग्जिट लेना चाहिए और आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए अच्छे स्टॉक के अंदर। गेल के अंदर कर्जे की बात करें तो 9,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा अभी भी मौजूद है। तो अगर आपके पास गेल का शेयर है तो आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए। जितना भी शेयर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है एग्जिट करने के लिए, लेकिन ये जो डिसीजन है ये आपका खुद का होना चाहिए। अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इस पर्टिकुलर शेयर से आपको एग्जिट करना चाहिए। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारा स्टॉक भी रिकमेंड कर चुका हूँ और फ्यूचर में भी करता रहूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री की बात करें तो अभी इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 19.50 के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये जो पीई है पिछले 7 साल का लो में ये पीई ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट के अंदर निवेश करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारा अच्छे अच्छे कंपनी है जिसके अंदर आप स्ट्रॉन्गली रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको पिछले आगे आने वाले 5 या 6 महीने के अंदर अच्छा खासा मौका भी दे सकता है, ऐसा भी एनालिस्ट का मानना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.